स्टार्टलेस किसीन अनुपमा में अनुपमा लंबे समय के बाद अपने रेस्टोरेंट में वापस आती है। लोग उसका खूब तहे दिल से स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, जिसको देखकर अनुपमा का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। वो बहुत इमोशनल हो जाती है, इतना प्यार सबके दिलों में देखकर उसके खुद के लिए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सबको कहती है, मैं तहे दिल से आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ। सब लोग बहुत खुश होते हैं अनुपमा को इतने लंबे समय के बाद अपने रेस्टोरेंट में देखकर, क्योंकि सब ने अनुपमा को सच में बहुत मिस किया था। लेकिन अब इसके साथ साथ अनुपमा अपने बेटे का भी पर्दाफाश करने वाली है। अनुपमा को पता चल चुका है कि तोशु ने ही चोरी करवाई थी। वो सीधा किंजल के घर पहुंचेगी, वहां पर वनराज दरवाज़ा खोलेगा और वो सीधा चलकर तोशु के पास जाएगी और वो तोशु से कहेगी, जब तू वहां पर मौजूद था तो इतनी बड़ी चोरी हुई कैसे, मुझे इसका जवाब चाहिए। तोशु चुपचाप खड़ा रहेगा। तब अनुपमा कहेगी, चाबियां तेरे पास थी, फिर ये सब कैसे हुआ। तोशु फिर भी कुछ नहीं कहेगा। तब अनुपमा उसके बाद कहेगी, तोशु कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब तूने ही करवाया है, या यूं कह ले तूने ही किया है। तोशु की बोलती बंद हो जाएगी। अनुपमा यहाँ पर भी अपने बेटे का साथ नहीं देगी, क्योंकि अनुपमा ने हमेशा ही सच का साथ दिया है, गलत का साथ कभी नहीं दिया। कैसे अनुपमा तोशु का पर्दाफाश सबके सामने करेगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा।